अरे यार देख तान्या आ गई, हमें ट्यूशन में पढ़ने भी नहीं देगी ये। अरे वंदना इधर आना, उधर क्या खड़ी है, इधर आ जल्दी। अरे यार छोड़ ना, वैसे भी चलते हैं, और वैसे भी देख इशारे करके बुला रही है, और अगर वो नहीं पढ़ती तो हम तो पढ़ते हैं ना। चल ठीक है, चल लेगी हमारे साथ। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। और कहाँ जा रही थी दोनों? कहीं नहीं, ट्यूशन जा रहे थे। यार ट्यूशन तो मुझे भी जाना है, तो एक काम करते मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या तू भी चलेगी मेरे साथ ट्यूशन? हाँ तो क्या हुआ, चल चुपचाप। वैसे तो आज बहुत अच्छा पढ़ाया था ना मैम ने, मेरे को तो पूरा समझ में आया। हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया था मैम ने आज। क्या अच्छा पढ़ाया था मैम ने, मैं तो पूरे टाइम बोर हो रही थी वहाँ पे। अच्छा वरना आज शाम को तुम फ्री है क्या? यार मेरे को कुछ सामान लेने के लिए ना मार्केट जाना है। हाँ तान्या मैं तो फ्री हूँ, वैसे मुझे को शाम को कुछ काम तो है नहीं, तो मैं तेरे साथ चल लूंगी। ठीक है यार, चल फिर मैं भी चलती हूँ, बाय बाय। सुन वंदना तू ना उसके साथ मार्केट मत जाना, वैसे भी कल टेस्ट है प्लीज। अरे यार देख मुझे उसके साथ ना आज मार्केट जाना पड़ेगा, और टेस्ट की तो तू चिंता मत कर, मैं टेस्ट कर लूंगी। और यार उसने मेरे मुंह पे बोला है कि तुझे मेरे साथ मार्केट चलना है, तो मुझे यार तो उसके साथ जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी दिशु तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो तान्या नहीं है। चल मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। दिशु देख तान्या ने मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट खुलवा दिया, अब तो मैं रोज रील्स डालूंगी। क्या तूने अकाउंट खोल दिया? तू तो फिर पूरा दिन रील बनाएगी, फिर तू पढ़ाई कब करेगी फिर? वरना ऐसे तो तेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा बहुत। ओ हेलो, क्या नुकसान हो जाएगा पढ़ाई का? मैं भी तो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाती हूँ रोज, मेरी तो कोई पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा, जो इसकी हो जाएगा। हाँ वैसे तान्या सही कह रही है, अब दिशु तू चली जा, अब मैं तान्या के साथ रील बनाऊंगी। ट्यूशन भी जाएगी तू? नहीं यार मैं ट्यूशन की छुट्टी ले रही हूँ, मैं कल आऊंगी। ठीक है अब तू जा। अरे वरना यार तू कर क्या रही है, अभी तक तो पता है तेरी एक भी रील अच्छी नहीं बनी है। अच्छा चल मैं दोबारा करती हूँ। अरे वरना तू कहाँ गई थी, मैं तेरे को इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, ट्यूशन नहीं जाना क्या? अरे यार वरना अभी इतना अच्छा डांस कर रही थी तू, इसने बीच में आके फिर से वीडियो खराब कर दी यार। हाँ यार दिशु तू बीच में क्यों आई, मैं तेरे को बुलाने के लिए आई थी ट्यूशन के लिए, मुझे कोई ट्यूशन नहीं जाना, और तू चली जा प्लीज, अब मैं कल आऊंगी ट्यूशन। लेकिन जाना ठीक है तू बना तान्या। हाँ अब बन गई रील अच्छी, चल यार अब इसे पोस्ट कर देते हैं। चल अब कुछ खाने के लिए चलते हैं। तान्या की वजह से वंदना मेरे से बहुत दूर हो गई है, पहले हम कितनी मस्ती करते थे। वरना तू बड़े होके क्या बनेगी? मैं तो बड़े होके डॉक्टर बनूंगी, और तू क्या बनेगी? टीचर। तू टीचर बनेगी? भूल जा रही, टीचर भी कुछ नहीं बनने वाली। मैं तो बन जाऊंगी, वो भी तेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी। चल पागल कुछ भी बोलती रहती है, पक्का तेरे बच्चे को पढ़ाऊंगी। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। खाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। मुझे वंदना को समझाना पड़ेगा कि उसके लिए मोबाइल ठीक नहीं है, पूरा टाइम वो मोबाइल में लगी रहती है, उसके एग्जाम भी आने वाले हैं। वो तान्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो वंदना को बिगाड़ रही है, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं वंदना को समझाऊंगी कि तान्या से दूर रहे और पढ़ाई में ध्यान दे। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना, ओ अल्लाह। वंदना सुन, वंदना 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 मेरी बात सुनना वंदना। तू अभी भी मोबाइल में लग रही है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या? सुन तू तान्या के संग ना रहना छोड़ दे, उसकी संगत बहुत खराब है, वो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तेरे को मोबाइल में लगा के ना बिगाड़ रही है।
ओ हेलो, मुझे मत समझाइए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है? मैं ना अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे सब समझाने लगेंगे। और तू हर समय तानिया की बुराई को करती रहती है कि तानिया ये है वो है। तानिया ना बहुत अच्छी है, समझ में आया? और तानिया की ना तू तानिया से चिढ़ती होगी इसलिए तू उसकी बुराइयां करती रहती है। अरे यार, मैं तानिया से नहीं चिढ़ती, तू मेरी दोस्त है, मुझे तेरी चिंता है। ओ हेलो, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करा कर, समझ में आया? अब तू चली जा यार प्लीज। चल तू ना ऐसी बात बोल दी ना आज की वादा, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगी। जा, दिमाग खराब कर दिया मेरा। वापस तो आ जा यार, तान्या की वजह से मेरी इतनी अच्छी दोस्त दूर हो गई। देख लिया तूने नतीजा मोबाइल में लगने का, ट्यूशन में बंक मारने का, ये सब तान्या की वजह से हुआ है। मैंने तो तेरे को बोला था कि तू उससे दूर रह। हाँ दीशु, तू सही कह रही है ना, मैं तान्या के साथ होती और ना मैं फोन छेड़ती और ना मेरी कंपार्टमेंट लगती, लेकिन मैं फोन छेड़ छेड़ के मेरी कंपार्टमेंट लग गई। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने मम्मी पापा को बताया कि मेरी कंपार्टमेंट लगी है तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और तेरे को पता है ना दिशु, पहले मेरे कितने अच्छे मार्क्स आते हैं और अब देख कंपार्टमेंट लग गई। चल तू रो मत, मैं अंकल आंटी से बात कर लूंगी और मैं उन्हें समझा दूंगी, ठीक है? थैंक यू दिशु, तूने बोला कि तू मेरे पापा मम्मी को समझा देगी। ओए क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? मैं रो रही हूँ ना, तेरी वजह से रो रही हूँ तान्या। क्यों, मैंने क्या किया? मेरी ना कंपार्टमेंट आ गई। उसमें मैं क्या करूँ? तेरी वजह से हुआ है ना, अगर तू मेरे फोन का चश्मा लगाती ना तो अभी तक मेरी कंपार्टमेंट नहीं आ रही होती। तो मैंने बोला था कि फोन में घुस। और हाँ एक बात बता, मैं भी तो पास हुई हूँ, तो ये अपने कंपार्टमेंट का ब्लेम ना मेरे ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है तू कैसे पास हुई है, फाइनल पेपर में चिट्स ले जाके पास हुई है तू तो। तुझे उससे क्या, चाहे मैं नोट्स लेके जाऊँ चाहे चिट्स, मैं पास तो हो गई ना। मेरे पढ़ने ना पढ़ने से ना तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, तुझे मेरे से अगर तकलीफ है ना तो मेरे से दूर रह। तेरे जैसे ना 36 दोस्त पढ़े मेरे पास, और वैसे कंपार्टमेंट आ गई है बेचारी की, तो आज शाम को रील आएगी नहीं आएगी? नहीं यार दीशु, मैं ये दो सब्जेक्ट कैसे क्लियर करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस फोन के चक्कर में। चल वंदना तू परेशान मत हो, मैं तुझे पढ़ाऊंगी तो तू बिल्कुल पास हो जाएगी, ठीक है? चल अपने घर चलते हैं। अरे यार ये वंदना कहाँ रह गई, आज तो उसका रिजल्ट था। क्या हुआ वंदना, तू इतनी उदास क्यों है? अरे यार दीशु, मैं तुझे क्या बताऊं? बताना वंदना क्या हुआ, तू पास हुई कि नहीं हुई? थैंक यू दिशु, तूने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया। अच्छा हुआ तू पास हो गई, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। और भाई आज तो तेरा रिजल्ट था, पास हुई कि फेल हो गई? पास हो गई। क्या तू पास हो गई, ऐसे कैसे पास हो गई है? मेरी बेस्ट फ्रेंड दिशु ने मुझे पढ़ाया है इसलिए मैं पास हो गई, और हर कोई दोस्त ने तेरे जैसा मतलब ही नहीं होता। दीशु ही अच्छी है, दीशु की तरह अच्छे दोस्त भी होते हैं। अब वैसे तो क्या कह रही थी, मुझे तेरे से दोस्त नहीं रख रही। अबे मुझे तेरे से कौन सी दोस्त नहीं रख रही है, चल निकल यहाँ से। उड़ते पतंग